मुझे तो, मैं अभी भी कहीं जब निकलता हूं, जाता हूं, बात करता हूं, तो एक सवाल आता है कि मोदी नहीं तो कौन? लाख रुपया की हम करने की बात करें, हम तमाम बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, लेकिन मुझे लगता है जो मुफ्त का राशन वाला मुद्दा है, ये ग्रामीण अंचलों में, गरीबों में अभी भी उतना ही करंट की तरह काम कर रहा है। और लोग पूछ रहे हैं मोदी नहीं तो कौन? अगर वो ऐसा पूछ रहे हैं तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा तो भारी होगा। कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है, क्या ये इतनी मजबूत हो पाई है ये भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष आ सके? और क्या नुकसान बीजेपी का हुआ है थोड़ा बहुत या नहीं हुआ है? देखिए, आपने जो शुरुआत की उसके हिसाब से मैं भी ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इतने हल्के में उखाड़ मत दीजिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बहुत मजबूत पार्टी है, बहुत संसाधन है, बहुत नेता हैं और वक्ताओं और प्रवक्ताओं और मोटर माउथ की फौज है उनके पास। इस चीजों को उलट पलट देते हैं। एक तो सब कुछ निर्भर करेगा, देखिए जो यहाँ पर सरप्राइज एलिमेंट है वो सरप्राइज ये है कि कांग्रेस में एक गति आई है, सक्रियता आई है और हम कहेंगे कि एक रियलाइजेशन भी आया है। तो उसके लिहाज से थोड़ा सा ये जो है ना ये प्लेजेंट सरप्राइज हो गया है। लेट कट कहेंगे, मतलब क्रिकेट की भाषा में ये लेट कट है। नहीं तो प्रधानमंत्री ने तो डिक्लेयर कर दिया था उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद ही कि 2024 तो अब गॉन कंक्लूजन है, उन्होंने इसका डिक्लेरेशन किया था, हमने सुना था। तो ये बात है। सवाल जो हम मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी कम से कम अब जीवित दिख रही है, जीवित दिख रही है और लगातार उसमें उत्साह में वृद्धि हुई है। लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा इस बात पर कि अचानक से रातों रात एकदम से पूरी तरह से हर जगह कांग्रेस फिर से छा जाएगी, ऐसा है नहीं। राजनीति बहुत बदल चुका है, तो कांग्रेस वाले अब कैसे अपना विपक्षी, जैसे अभी अमिताभ कह रहे थे कि विपक्ष विपक्षी विपक्ष में अंतर है, एकजुट विपक्ष तो दिख नहीं रहा, अभी भी नहीं दिख रहा है। और एक दो तो और भी छिटक गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी छिटके हुए नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टीआरएस हैं, टीआरएस क्या उनका नाम, केसीआर हैं, मुझे लगता है ममता बनर्जी के भी रुख में कुछ बदलाव है। तो विपक्षी राजनीति कैसे, उसकी पिवट बनेगी कैसे, धुरी बनेगी कैसे, कांग्रेस पार्टी उनसे अपना संबंध जोड़ेगी नहीं जोड़ेगी, किन शर्तों पे जोड़ेगी या बिल्कुल नहीं जोड़ेगी, ये सब बहुत आगे चीजें तय करेगा। अब आप देखिए ना कि मैं नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस के स्थिति में सुधार हुआ है, निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हिमाचल और अभी गुजरात का चुनाव है, ऐसा लगता है, मतलब ये नहीं कि मीडिया में मेन लाइन मीडिया में कवरेज इस तरह से नहीं हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, उस बात को भी छोड़ दीजिए, तो ऐसा लगता है कि पूरी शक्ति उनकी भारत जोड़ो में लगी हुई है और उसके साथ अभी अध्यक्ष पद वाले में थी, तो फिर हिमाचल में और गुजरात में कौन सी शक्ति लगी हुई है या नहीं लगी हुई है और क्यों नहीं लगी हुई है, ये सारे सवाल है। तो अभी टू अर्ली टू से है, मगर अच्छी बात है कि एक थोड़ा सा रोमांच आ रहा है पॉलिटिक्स में। और अभी देखिए, अभी जवाबी चीजें क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होती है, हिंदुत्व है, और अभी आप देखिए 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी, शायद उनको रियलाइजेशन हुआ है कि 10 लाख नौकरियों का एक रोजगार मेला की शुरुआत करने जा रहे हैं इस 22 तारीख को। तो ये जो बेरोजगारी महंगाई आदि आदि का जो मुद्दा है उस पर भी अब कुछ इनकी तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। ये मोटा मोटी है, अभी टू अर्ली टू से है, कुछ नहीं कह सकते, ये हम बिल्कुल मान के चलें कि बीजेपी का पलड़ा निश्चित रूप से अभी भी भारी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि स्थिति जी, जब जाओ तो एक सवाल आता है कि भाई मोदी नहीं तो कौन? शीला जी, ये सवाल क्या कम हो पाएगा? जो आम आदमी के मन में ये बात बैठ गई है कि मोदी का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा, या बीजेपी के आईटी सेल जो टीम है उसने ये
आम आदमी के मन में जहन में बिठा दिया है कि भाई मोदी के मुकाबले में कोई नहीं है, मोदी एक ऐसे नेता हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ उमड़ रही है या जिस तरह के क्षेत्रीय दल मजबूती से दिखा रहे हैं, क्या लग रहा है कि मुकाबले में आ पाएंगे विपक्ष, कांग्रेस या बीजेपी? अभी भी अजय रहेगी। बीजेपी का अगर नुकसान हुआ है तो कितना नुकसान हुआ है? क्या वो सत्ता से दूर भी रह सकती है आज के माहौल में? अभी दूर है, टाइम दूर है, लेकिन हम लोग जब बातचीत करते हैं तो आज के माहौल में करेंगे, बाद में क्या हो जाए ये अलग विषय है। आज के माहौल में क्या लगता है आपको, बीजेपी क्या सत्ता के बहुत पास में या डेंट पड़ा है उसमें? देखिए, जिस समय आपसे मैं बात कर रहा हूँ अभी भी टिकर पे आया है कि लिज ट्रस जो प्रधानमंत्री 45 दिन की थी ब्रिटेन की, उनका इस्तीफा हो गया। 10.1 वहां इन्फ्लेशन का डिफरेंस है और इस्तीफा हो गया है। आपके यहाँ 83 रुपए क्रॉस कर गया है डॉलर, और उसके बाद कहा जा रहा है कि रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हो रहा है, और इसके बावजूद देश में कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है कि कम से कम इस वित्त मंत्री का जिन जो इस तरह की बातें करती रहती है कोई इस्तीफा मांग भी ले, तो नहीं है। और एक 45 दिन में अभी कम से कम 6 महीने की कवायद के बाद 45 दिन के लिए जो प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने 10% इन्फ्लेशन पहुंचते पहुंचते इस्तीफा दे दिया। पूरा यूरोप डगमग किए हुए है। इटली में लगभग आप कह सकते हैं कि हिटलर के सहयोगी रही पार्टी मुसोलिनी वाली जो थी, उसकी समर्थित महिला जो है प्रधानमंत्री बनी है। और कम से कम 12 देश इस समय यूरोप में ऐसे हैं जो दक्षिण पंथ के गर्त में गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये हो रहा है कि आर्थिक बेचैनी बहुत है, लेकिन उसको कैटर करने के लिए जो सांगठनिक भूमिका विपक्ष नाम की चीज की होनी चाहिए वो अनुपस्थित है। राहुल गांधी के पदयात्रा में दक्षिण से चूंकि शुरू हुई, दक्षिण में बीजेपी या उनका उतना प्रभाव नहीं है, उसको अच्छा समर्थन मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अब उसको खबरों में भी समर्थन मिलना शुरू हुआ है, ये भी आपकी बात ठीक है। लेकिन अभी 2 उपचुनाव हो रहे हैं, हिमाचल और गुजरात। आप और हम में से कोई ये दावा नहीं कर सकते कि इनमें से एक भी कांग्रेस जीत जाएगी। जीत जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्थितियां ये है, रियल मतलब एक दोनों चीजों का परीक्षण हो रहा है। एक और लाखों लोग उनकी पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं, दूसरी ओर बगल में हिमाचल में जहां वो बाय इलेक्शन में 4 विधानसभा और 1 लोकसभा में 5 की 5 कांग्रेस जीत गई थी अभी 1 साल पहले। लेकिन आज हम ये नहीं कह सकते कि वो वहां से विधानसभा वो जीत पाएंगे या नहीं, जबकि वीरभद्र सिंह नहीं है चुनाव में, उनकी पत्नी एक सिंपैथी वेव के साथ लड़ रही है। तो ये इन दोनों सूचनाओं के बीच में एक सच्चाई है। वो सच्चाई क्या है कि सांगठनिक तौर पर और आज चुनाव लड़ने का जो तौर तरीका है उसके तौर पर विपक्ष अभी बीजेपी के सामने बहुत पीछे है, और इसलिए वो स्थिति आती है जो आप कह रहे हैं कि अभी भी लोग कहते हैं कि मोदी नहीं तो कौन। ये चीज जो स्थापित की है मोदी जी की पार्टी ने और मोदी जी ने और उनके प्रचार तंत्र ने कि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, ये अपने आप में बताता है कि जो चुनाव का आज का तौर तरीका है उस पर किस हद तक कब्जा प्रेजेंट डिस्पेंसेशन का हमारे देश में मौजूद है। तो अभी आप अगर इन तथ्यों के आधार पर विपक्ष को देखें तो आप देख रहे हैं कि एक जमाना हुआ बिहार में जो परिवर्तन आया था उसके बाद एक हवा सी बनी कि नीतीश जी अब शायद केंद्र की भूमिका में आएंगे, लड़ेंगे। तब से आज तक जो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, नीतीश जी की एक बार भी कोई पॉलिटिकल प्रेजेंस हुई क्या? चुनाव के सिर्फ 2 महीने पहले सब तीर मार लिया जाएगा? एक पार्टी जिसकी 300 से ज्यादा सीटें हैं वो 19 का चुनाव जीतती है और 24 के चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। एक एक सीट उन राज्यों में जिन राज्यों में वो अपने लिए नई भूमिकाएं निकाल सकते हैं, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इसमें केरल है, जहां वो बिल्कुल उनके लिए पत्थर तोड़ने जैसा काम है, वहां उन्होंने अपनी सांगठनिक स्थिति मजबूत की है, लड़ने की कोशिश करते हैं, अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो 303 पे नहीं रुक गए। दूसरी ओर जो 3 पे पहुंच गया है विपक्ष, वो उससे सबसे कोई सीख के ये भी सबक नहीं ले पा रहा है कि एक मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के इस देश के सामने बेरोजगारी, महंगाई, इन्फ्लेशन, इन सवालों पर लोगों को सड़क पर लाने, संगठित करने, बूथ कमेटियां बनाने, जो वो पन्ना प्रमुख मुख कहते हैं उसका कुछ विकल्प बनाने, और सोशल मीडिया के सोशल ग्रुप्स बनाने, अपनी बात पहुंचाने, इस सब को काम वो भी करता हुआ नजर आता। तो वो सिर्फ बैठा हुआ है,
चुनाव जब घोषित होंगे तब वो लोग सीटों की खींचतान करेंगे, नोचा एक दूसरे को नोचेंगे, और उस नोचने के बाद वो एक इस तरह के फॉर्मिडेबल विपक्ष को जिसका नाम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी है हरा देंगे। मुझे एक और ही कल्पना लगता है, पता नहीं क्यों, इसलिए भी कि मैंने इसके पहले कि मेरे अनुभव बहुत कड़वे हैं, राहुल गांधी जब भट्टा परसौल में गोली चली थी किसानों पर और उसके बाद निकले थे, आपको याद होगा कि इसी तरह से उनके पीछे हजारों लोग पैदल चल पड़े थे, लेकिन जब वापसी में एडमिनिस्ट्रेशन के समझाने में वो थाने गए और थाने से कार में बैठ के दिल्ली वापस चले गए और दिल्ली के बाद फिर गोल हो गए, उसके बाद वो सारा जोश गायब हो गया। और आपको मालूम ही है कि पिछले चुनाव में प्रियंका गांधी के आने के बावजूद उनकी पार्टी को 3% वोट भी नहीं मिला। तो राहुल गांधी की पदयात्रा बहुत अच्छी है लेकिन, और उसमें बहुत जन समर्थन है, लेकिन इसको एक राजनीतिक चुनाव में राजनीतिक सफलता प्राप्त करने की मशीन समझना गलती होगी। अभी हमें देखना पड़ेगा कि कांग्रेस, उसमें एक अध्यक्ष चुना गया है, कांग्रेस नए सिरे से अपने को पुनर्गठित सी कर रही है, उसमें बहुत सारे लोग नाराज हैं, लेकिन अब उनकी जरूरत है कि नहीं है, जो G23 वगैरह का मामला है। दूसरी ओर विपक्ष के बहुत सारे छोटे छोटे प्रतिनिधि हैं जो विभिन्न राज्यों में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक सामूहिक भूमिका के तौर पर वे अनुपस्थित हैं। ये सब लोग आने वाले दिनों में क्या करते हैं? अगर ये लोग कुछ सकारात्मक चीजें करते हैं और सामूहिक कदम ताल करते हैं, दिखाई देने लगता है, वो लोगों में नीचे तक प्रेसिपिटेट करता है, तब हम कोई संभावना सोच सकते हैं, वरना 24 में फिर यही सवाल जो आपने उठाया, मुंह बाके खड़ा हो जाएगा कि मोदी का विकल्प कौन।